नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलते हैं जी हमारी आज की वीडियो में और देखते हैं हमारी आज की वीडियो में क्या है। तो हमारी आज की जो हीरोइन है 14 डेटोस नाम है जी इसका, वो इसकी मूवी थी जी सेटोन लिटिल हेल्पर, जिसमें इसने बहुत ही सेक्सी सेक्सी रोल किए हैं और ये एक कराटे किड भी है। कराटे इसको बचपन से ही शौक था जी कराटे सीखने का। तो इसके बारे में अगर कोई भी आपके गलत ख्यालात हैं तो आप जहन से निकाल दें, क्योंकि ये आपके बम्बू में टांग मारेगी और आपके बम्बू का कबाड़ा कर देगी। तो है तो ये बहुत ही खूबसूरत लड़की और कैनिसोलोजिया, तो इसको जी ये बीमारी भी है कैनिसोलोजिया की। PSI फैक्टर भी इसकी मूवी थी जी 1996 में, और ये मूवी थोड़ी थोड़ी गंदी भी होती हैं। ट्रम्प ऑन ऑथराइज्ड हेलराइजर 8G, ये आपको पता ही है, गोरी लड़कियों की मूवी सेक्सी भी होती हैं और मज़ेदार भी होती हैं, जो फैमिली के साथ बंदा नहीं देख सकता। ये बंदा अकेले में देख सकता है या गर्लफ्रेंड के साथ देख सकता है, ताकि गर्म होने के बाद गर्लफ्रेंड को पेला जाए। तो विकिंग्स आपने अगर नहीं देखा सीज़न तो आप देख सकते हैं, विकिंग का सीज़न बहुत ही पेला पेली वाला है। उसमें ये डबल डबल पेलावाती है, दो दो लोग इसको पेलते हैं, मैंने देखा हुआ है इसलिए मुझे स्टोरी पता है थोड़ी बहुत। उसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन आते हैं कि इसको पेला जाता है और बहुत ही मज़े देती है। तो इसकी एक मूवी का नाम है जी वो असेसियंस, 2019 में रिलीज़ हुई थी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये विकिंग वाला सीज़न आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सेक्सी सेक्सी सीन है इसमें, क्योंकि वही तो हमें देखने होते हैं और वही तो हमें पसंद होते हैं। या वो देखेंगे तो या फिर हम गर्म होके, आपको पता ही है, किस वेबसाइट पे जाएंगे, VPN लगा के शैम्पू उठा लेंगे। तो दोस्तों ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसको देख के इसको पेलने का मन करता है। तो देखें आप भी, इसकी मूवीज़ बहुत ही हॉट और क्लासिक हैं। इसके बालों का रंग देखें, इसको बंदा डॉगी स्टाइल पे घोड़ी बनाए और इसको बालों से पकड़ के पेलेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो ये अभी स्ट्रिपर मूवी में ये देख लें आपके सामने क्या हरकतें कर रही है, ये डोगी डोगी कर रही है और ये बच्चों को भी गंदी ट्रेनिंग दे रही होती है, और ये बच्चे भी इसी के साथ गुची गुची गु कर रहे होते हैं। तो एक मूवी का नाम है जी कॉल ऑफ ड्यूटी WW2। रेडियो फ्री एल्बिमथ 2010 में इसकी मूवी रिलीज़ हुई जी थी। इसमें भी इसका कोई गंदा सीन ज़रूर होगा, क्योंकि इसकी सारी मूवीज़ में ज़्यादातर गंदे सीन मौजूद हैं। तो ये मूवी है जी 2012 की, नाम तो आपने पढ़ लिया होगा। और एक मूवी है जी डार्क टावर, 2017 में रिलीज़ हुई थी। फिर आ गई जी स्पीड किल, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी। और अगली मूवी है पोलार, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। और ये इसको अवार्ड मिला था जी मूवीज़ करने का। और ये देख लें आप, मूवीज़ में ये जैसा कुछ दिखा रही है ऐसा ये रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। रियल लाइफ में अगर किसी के काबू में आ जाएगी तो वो इसको पेल देगा। और ये बताता चलूँ कि ये कराटे में भी मास्टर है, लेकिन बेशक मास्टर हो, जब हमारे दिमाग को चढ़ी होएगी तो हम इसको पेल देगा। बिग स्काई भी इसकी मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी सारी आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार मूवी है। इसकी सब मूवीज़ बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि सब मूवीज़ में हमारी मर्ज़ी के सीन भी आते हैं, सेक्सी सेक्सी।